दोस्तों, आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि भारत या भारत के किसी भी राजा ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों आज थाईलैंड, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे देशों में भारतीय संस्कृति के अंश पाए जाते हैं। सच तो दरअसल ये है कि भारत में एक ऐसा राजा था जिसने इन सभी देशों को एक जमाने में अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जहां भारत के बाकी राजा अपनी सत्ता बचाने और उसका आनंद लेने में लगे थे, वहीं ये राजा पूरे दक्षिणी पूर्व एशिया पर राज करने का सपना देख चुका था। ऐसा सपना जो उसने पूरा करके दिखाया। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों द्वारा भुला दिया गया वो राजा कौन था और कैसे उसने ये सब किया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के चोला एम्पायर की, जिसका नाम आपने शायद पहले सुन रखा हो। चोला एम्पायर की शुरुआत यूं तो सन 300 में हो गई थी, लेकिन तब तक ये दक्षिण भारत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा कंट्रोल करते थे और अपनी ज्यादातर कमाई के लिए ये दुनिया भर से भारत की तरफ आते जहाजों के कर पर निर्भर थे। फिर 1850 में जाकर एक विद्रोह फूटने के चलते चोला किंगडम ने पल्लवों को हरा दिया और उनका बहुत सा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने सिर्फ इन जगहों पर कब्जा ही नहीं किया, लेकिन राज करने का एक नया सिस्टम भी लेकर आए, जिससे कि सारा कंट्रोल सेंटर यानी राजा और उसके मंत्रियों के हाथ में आ जाए और बाकी लोग भ्रष्टाचार ना कर सके। इसके बाद राजा चोला के बेटे राजेंद्र चोला प्रथम ने तेलुगु किंगडम से लेकर बंगाल तक अपना वर्चस्व फैलाया। बंगाल हाथ में आते ही अब भारत के लगभग सभी समुद्री तट राजेंद्र चोला के कंट्रोल में थे, जिसका मतलब था कि और ज्यादा मुनाफा। दरअसल भारत दुनिया के समुद्री व्यापार के बिल्कुल बीच में है, इसलिए ये व्यापार के लिए सबसे आसान और बढ़िया रास्ता है, जिसे मैरीटाइम सिल्क रूट भी बोला जाता है। कुछ प्राचीन तमिल लेखों की माने तो राजेंद्र चोला के वक्त तमिलनाडु के बाजारों में रोम और चीन से आए बेशकीमती सामानों की दुकानें लगती थी और इतनी भीड़ होती थी कि किसी को पैर रखने की भी जगह ना मिले। राजेंद्र चोला राजा बनने से पहले ही अपने पिता के लिए ज्यादातर दक्षिण भारत का इलाका जीत के आ चुके थे, लेकिन राजा बनने के बाद वो कभी भी चैन से नहीं बैठे और उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को भी अपने कब्जे में कर लिया। राजेंद्र चोला हमेशा से ही दक्षिणी पूर्व एशिया पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने कुछ इस तरह की स्थिति आ गई कि जंग करना उनके जीने की मजबूरी बन गई। चोला की बढ़ती ताकत को देख दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे सबसे बड़े राज्य श्री विजय किंगडम को काफी जलन होने लगी। इस वक्त का व्यापार कुछ इस तरह था कि यूरोप और इजिप्ट जैसे देशों से सबसे पहले जहाज आकर भारत रुकते थे, फिर श्री विजय किंगडम के कब्जे वाले इलाके पर रुकते थे और अंत में चीन पहुंचते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर समुद्री लुटेरों ने श्री विजय के इलाके पर आतंक फैलाना शुरू किया और लड़ने की बजाय इन्होंने उनसे ये सौदा कर लिया कि वो हर साल उन्हें एक तय रकम देंगे, बस वो आतंक ना मचाए। जब श्री विजय और चोला का विवाद बढ़ने लगा तो श्री विजय ने इन समुद्री लुटेरों की मदद से उनके इलाकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, ताकि बाहर से आए व्यापारी भारत आने से कतराएं। इसके अलावा जो दूसरी समस्या राजेंद्र चोला के सामने थी वो थी टेक्नोलॉजी। सालों से जहाजों में बहुत सी नई तकनीकों के कारण ज्यादा रफ्तार आ गई थी और वो कम समय में ज्यादा दूरी तय करने लगे थे और इस वजह से भी भारत में जहाजों का आना कम हो रहा था। अब देखते हैं चोला के अलावा कौन कौन से राज्य उस वक्त दक्षिण पूर्व एशिया में थे। श्री विजय के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा मलय थे, जो आज के थाईलैंड पर राज करते थे। फिर थमलिंगा थे और उसके अलावा अंगोर किंगडम के लोग थे, जहां आज का कंबोडिया बसा है। चोला और अंगोर दोनों में मित्रता थी और यही मित्रता थमलिंगा और श्री विजय में थी। इस मित्रता की एक वजह ये भी थी कि अंगोर और चोला हिंदू राज्य थे, जबकि थमलिंगा और श्री विजय दोनों ही बौद्ध थे। हुआ ये कि अंगोर पर जब थमलिंगा ने हमला किया तो अंगोर ने राजेंद्र चोला से मदद मांगी और राजेंद्र चोला ने भी इस जंग में अपने मित्र राज्य का साथ देने की घोषणा कर दी। इससे श्री विजय को एक बहाना मिल गया और उन्होंने जवाब में चोला पर जंग की घोषणा कर दी। राजेंद्र चोला के पास जो नौसेना थी इस वक्त उसे अब उस वक्त की दुनिया की सबसे बढ़िया नेवी कह सकते हैं, क्योंकि चोला के सभी राजाओं ने कई सौ सालों से अपनी नेवी को विकसित करने में काफी काम किया था। उनके जहाजों के डिजाइन के लिए कभी कभी तो अरब के देशों या चीन से खास तौर पर लोगों को बुलाया जाता था। इसके अलावा राजेंद्र चोला के पास एक प्लान था। राजेंद्र चोला ने अपनी नेवी के एक छोटे से टुकड़े को श्री विजय पर सामने की तरफ से हमला करने के लिए कहा, जबकि बाकी की सभी फोर्स को मॉनसून के तूफानों को पार करते हुए उनके राज्य के
दूसरी तरफ से उन पर हमला करना था। जब श्रीविजय की नेवी ने चोला की नेवी देखी तो उन्हें लगा कि वो आसानी से जंग जीत जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि असली जंग तो कहीं और होने वाली है। नेवी की उस छोटी सी टुकड़ी ने श्री विजय का डटकर मुकाबला किया और तब तक चोला की बड़ी नेवी की टुकड़ी ने दूसरी तरफ से घुसकर श्री विजय के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया और उनका पूरा राज्य जीतते जीतते वो उस जगह पर पहुंचे जहां उनकी छोटी टुकड़ी अभी भी जंग लड़ रही थी और उन्होंने मिलकर श्री विजय को हरा दिया। जिसके बाद वो आगे बढ़ गए और उन्होंने थंबलिंगा पर भी हमला बोला और उस इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया। इतनी बड़ी जीत के बाद अब पूरी तरह से दक्षिण पूर्व का ज्यादातर व्यापार चीन के अलावा सिर्फ एक राज्य के हाथ में आ गया था, जो थे चोला। चोला राज्य के राजाओं ने इसके बाद इन सभी जीते हुए इलाकों में अपने अधीन राजा या मंत्री नियुक्त किए और अगले कई सालों तक एशिया के इस पूरे हिस्से की राजनीति को उन्होंने कंट्रोल किया। कभी डर के दम पर तो कभी कूटनीतिक समझ से चोला के कई राजाओं और राजकुमारों ने फिर थाईलैंड या बाकी देश के राजघरानों में शादी भी की ताकि उनके रिश्ते उनसे अच्छे बन सके। चोला का कद उस वक्त के अमेरिका जैसा था, जो देखने में तो एक देश लगता है लेकिन हकीकत ये है कि उसकी इंटेलिजेंस कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को अपने जेब में रखती है और कभी भी समय आने पर तख्ता पलट के लिए भी तैयार रहती है। चोला का वर्चस्व भी कुछ इसी तरह का था कि 12वीं शताब्दी में चोला के किसी राजा की मर्जी के बिना कोई मछली भी खुलेआम समुद्र में नहीं तैर सकती थी। ये अफसोस की बात है कि हमने भारत के इस गौरवपूर्ण इतिहास को अभी भुला दिया है और हमारे इतिहास की किताबों में मौर्यों, गुप्तों, मुगलों और फिर अंग्रेजों के अलावा ऐसे किसी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगर आप भी इस तरह के और वीडियोस हमारे चैनल पर चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।